जल संसार के सभी जीव जंतुओं के जीवन का आधार। यह जल आज कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है। दुनिया के कई बड़े शहरों के साथ साथ भारत के भी कई हिस्सों में जल संकट गहरा रहा है। कई अंदरूनी क्षेत्रों में तो लोगों को जल की आधारभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही है। देश के कई हिस्सों में आने वाले वर्षों में जीरो डे आने की संभावना भी है। जीरो डे यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां भूजल लगभग समाप्त हो चुका होता है। किंतु इन विकट परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश के शहडोल नगर के नागरिकों को इस जल संकट से उबारने के लिए सुहागपुर क्षेत्र के कोल माइन मैनेजमेंट ने एक नया तरीका अपनाया है। सुहागपुर क्षेत्र भारत सरकार की कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की अनुसंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 13 क्षेत्रों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल एवं अनूपपुर जिले में स्थापित है। सुहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत कुल 2 खुली खदानें, 4 भूमिगत खदानें एवं 1 हाईवॉल खदान आती है। इन खदानों से प्रतिदिन लाखों लीटर भूजल रिसाव के द्वारा जमा होता है और यही भूजल बाद में कोयले के खनन को जारी रखने के लिए एवं खदानों में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा हेतु बाहर निकाला जाता है। इस जल को निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप पंपिंग की जाती है, जिससे कि इस जल में मिले हुए कोयले के कणों को जल से पृथक किया जा सके। जी हाँ, इस जल में मुख्य रूप से सिर्फ एक ही अशुद्धि होती है और वह है कोयले के कण। अन्यथा यह जल इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। खदानों से निकलने वाले इस जल को सुहागपुर क्षेत्र वर्षों से अपनी खदानों के आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों एवं अन्य उपयोग हेतु प्रदान करता आ रहा है। ये सभी ग्रामीण पूर्ण रूप से इसी जल पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त शहडोल नगर में रहने वाली 1 लाख से अधिक की जनसंख्या भी खदानों से निकलने वाले इसी जल पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। शहडोल नगर के नागरिकों हेतु प्रतिदिन लगभग 12 मिलियन लीटर जल सरफा नदी में छोड़ा जाता है, जहां से यही जल सरफा डैम में कलेक्ट होकर फिल्ट्रेशन के पश्चात शहडोल नगर के वासियों को प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं शहडोल जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का इस विषय में क्या कहना है। वर्तमान में शहडोल जिले की जो आबादी है वो 1 लाख के करीब है। 10 MLD पर डे कंजम्पशन है। क्या था उस समय, हम सरफा नदी को स्रोत मानकर वाटर सप्लाई स्कीम बनाए थे। कम वर्षा के कारण नदी सूखते गई और सूख गई। इस बीच में ये सरफा नदी में ACCL के द्वारा जो पानी आ रहा है, जो दामनी खैरहा और राजेंद्रा कालरी से पानी डिवाटरिंग किया जाता है, वही पानी सरफा नदी में स्रोत के रूप में आ रहा है और वही हमारे सरफा डैम में आके कलेक्ट होता है और उसी पानी से हम शहडोल जिले के शहडोल शहर के निवासियों का मतलब पेयजल उपलब्ध कराते हैं उसी पानी से। इस प्रकार से हमारा जो सरफा डैम है कोल माइंस के पानी से ही मतलब वो भरता है और उसी का उपयोग शहडोल शहर के लिए पानी का उपयोग किया जा रहा है। अगर उस स्रोत को बंद करेंगे तो शहडोल जिले को पानी की व्यवस्था नहीं है। शहडोल नगर की जल प्रदाय योजना सरफा डैम पर आधारित है। वर्तमान समय शहडोल नगर की आबादी लगभग 1 लाख के आसपास हो चुकी है। विगत 40 वर्षों से पुराने फिल्टर प्लांट के माध्यम से जो 4 MLD का था सरफा से ही होता था। आबादी बढ़ने के साथ साथ यहाँ जल आवाधन योजना लागू की गई, जिसमें 8 MLD का नया फिल्टर प्लांट तैयार करा लिया गया है, जिससे अब शहर को हम पूरी तरह से जल प्रदाय कर पा रहे हैं। सरफा जल प्रदाय का मुख्य आधार काली प्रबंधन से छोड़ा जाने वाला पानी है, जो राजेंद्रा माइनिंग खैरहा दामिनी और दहगवा है ना, 4 काली का पानी छोड़ा जाता है सरफा डैम में। वही मेन आधार है सरफा जल प्रदाय का, पानी संग्रहण का केंद्र है और इसी के माध्यम से शहर की जल प्रदाय आपूर्ति हो पा रही है। अगर काली प्रबंधन इस पानी को कहीं अन्यत्र डाइवर्ट कर देता है तो शहर पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, पेयजल की आपूर्ति करने में लोग अच्छा हो जाएंगे। ये सरफा डैम पे कालरी से पानी आ रहा है अपने और वही फिल्टर होके सप्लाई किया जाता है शहडोल को। अगर कालरी से पानी नहीं आएगा तो इसमें दिक्कत हो सकती है, सप्लाई अपने नहीं। सुहागपुर क्षेत्र के माइन मैनेजमेंट ने अपने इन्हीं कदमों को आगे बढ़ाते हुए
खदानी क्षेत्रों से लगे हुए गांवों को और अधिक शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु 9 लाख लीटर क्षमता के कुल 2 फिल्टर प्लांट स्थापित किए हैं, जिनकी लागत 4 करोड़ से भी अधिक है। इन फिल्टर प्लांट से भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में बसे 5,000 से अधिक की जनसंख्या को प्रतिदिन 7 लाख लीटर शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इन प्रोजेक्ट से मुख्य रूप से खन्नाद एवं चिरहटी गांव के निवासी लाभान्वित होंगे। सुहागपुर क्षेत्र द्वारा अपनी खदानों के आसपास बसे ग्रामीणों के जीवन के उत्थान एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु यह एक छोटा सा कदम। भविष्य में भी हमारे ऐसे ही प्रयास जारी रहें, इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।